जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर के अपने स्कूल व कॉलेज में जाकर जमा कर देते हैं और आपको मालूम नहीं चलता है, बाय मिस्टेक आपके नाम में गलती हो गया, माता का नाम में गलती हो गया, पिता का नाम में गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया, जेंडर गलती हो गया, कास्ट कैटेगरी गलती हो गया, या फिर जो आपका जाति धर्म या अन्य कोई सब्जेक्ट में आप गलती भर दिए और आप चाहते हैं कि वो सुधार करवाना, तो किस प्रकार से सुधार होगा आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चाहे आप 9th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे हैं या फिर 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे हैं, हम आपको दोनों का जानकारी बताएंगे किस प्रकार से आप सुधार करवाएंगे। वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं आप किस प्रकार से सुधार करवाएंगे। तो जो भी 9th के छात्र होंगे या 11th के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे उनको मैं कहना चाहता हूं कि जब आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जमा कर दिए हैं तो एक बार अपने प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे इस प्रकार का गलती हो गया, सुधार करवा दीजिए। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, सुधार कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सुधार करवा लीजिए। अगर वहाँ से सुधार नहीं करते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, जब आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होता है। चाहे आप 9th के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें या 11th के, मैं दोनों को कह रहा हूँ, तो जब आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होगा तो वहीं से आप सुधार करवा सकते हैं। जैसे ही आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कुछ ही दिनों बाद जारी होता है तो उसमें आप चेकआउट करेंगे कि आपके नाम, माता का नाम, पिता का नाम, लिंग, कोटि, राष्ट्रीयता या आपके जो जाति धर्म जन्मतिथि या अन्य कोई सब्जेक्ट में किसी प्रकार की गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो आप यथाशीघ्र, जैसे ही आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आए, चाहे आप मैट्रिक के हैं या इंटर के, आप उसमें जाके सुधार करवा लीजिए, क्योंकि आपको ही आगे दिक्कत होगा अगर आप सुधार नहीं करवाते हैं। तो सुधार किस प्रकार से करवाएंगे तो मैं आपको जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूँ। जैसे कि इनके पिता के नाम में अगर गलती है, ये पिछले साल का है, तो ये नहीं उन्होंने लिखा कि पिता के नाम में गलती और सही पिता का नाम इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो भी गलती आ रही है उसे भी आप नीचे में लिख देंगे और जो सही है उसे भी आप लिख देंगे और अपना सिग्नेचर कर देंगे और करने के बाद जाकर अपने स्कूल या कॉलेज में जमा कर देंगे। और जमा करने के कुछ ही दिन बाद जो आपका ओरिजिनल पंजीयन आएगा, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, उस पर आपको सही सुधार करके मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यही तरीका है। आपको जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस टाइम आप सुधार नहीं करवा सकते हैं, यही इसका प्रोसेस है। इस वीडियो समेत आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स बन रहे हैं तो आप हमें नीचे अभी कमेंट कीजिए या डायरेक्टली आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जहां पर आपको 24 घंटे के अंदर कभी भी रिप्लाई मिल जाता है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।